गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारे ट्रैवल के थर्ड और लास्ट डे है। अगर आपने मेरे लास्ट के दो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि आज हम अलाहाबाद से जर्नी अपना स्टार्ट करेंगे दिल्ली पहुंचने के लिए। तो 7:15 से हम लोग रूम से निकल चुके थे और आज हमें 743 किलोमीटर या 743 किलोमीटर्स जाना था दिल्ली पहुंचने के लिए। इसलिए रास्ते में कहीं भी ब्रेकफास्ट के लिए रुक के टाइम वेस्ट नहीं करना था, इसलिए मैंने रूम पे ही थोड़ा सा सैंडविच बना लिया था। मेरे पास ब्रेड था और उसमें मेयोनीज और कुकुम्बर लगा के मैंने सैंडविच तैयार कर लिया था और कुछ फ्रूट्स भी हमारे पास था, तो उसी को खाते हुए हम लोगों ने गाड़ी में ही ब्रेकफास्ट कर लिया था। और इस तरह का लॉन्ग ट्रैवल में अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है ज़्यादा, क्योंकि हम दिन भर एक ही जगह पे बिल्कुल बैठे रहते हैं और ज़्यादा मतलब बाहर तो खाना पड़ता ही है और बच्चे भी साथ में होते तो चिप्स वगैरह खा लेते हैं, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है हम बाहर की जैसे ऑयली फूड को हम अवॉइड कर सकते हैं और जंक फूड वगैरह को भी अवॉइड करके सिंपल सी खाना खा सकते हैं और अपना हेल्थ का ख्याल रखते हुए ट्रैवल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस ब्रिज से हम गंगा नदी को क्रॉस कर रहे हैं। हम अलाहाबाद से 12 किलोमीटर आ चुके हैं और यहाँ से लखनऊ है 188 किलोमीटर, 188 किलोमीटर है लखनऊ। अलाहाबाद से पूरी लखनऊ की दूरी है 200 किलोमीटर। लास्ट टाइम जब हम दिल्ली से उड़ीसा गए थे बाई रोड तो हम आगरा से कानपुर होके अलाहाबाद तक पहुँचे थे। काफ़ी जगह पे रोड का काम चल रहा था तो बहुत सारा डाइवर्शन भी था, तो इसलिए हमने रूट इस बार चेंज किया है और अलाहाबाद से लखनऊ होते हुए हम इस बार आगरा पहुँचेंगे। देखिए हम लोग ये लखनऊ पहुँच गए हैं। मेरा बहुत पहले से बहुत ही मन था कि मैं लखनऊ आऊँ और यहाँ पे घूमूँ और यहाँ का नवाबी खाना खाऊँ, बट इस बार ऐसे घूम नहीं पाएंगे, बस लखनऊ टच करके ही हमें जाना पड़ेगा। और यहाँ आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं एक लंबा सा सुंदर सा बाउंड्री वॉल बना हुआ है, ये काफ़ी दूर तक है आप देखते जाएंगे अभी। और इसके अंदर का इलाका जो है वो भी बहुत ही बड़ा इलाका है और इसके जो कारीगरी का काम किया गया है इसके अंदर वो भी काफ़ी सुंदर है, आपको बाहर से दिख भी जाएगी थोड़ा थोड़ा। और इसका नाम है बौद्ध विहार शांति उपवन। बिल्कुल सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया है नोएडा में और जिसका नाम है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, वो भी मैं आपको जब नोएडा पहुंचूंगी आज तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगी। सामने जो गेट है इस गेट को क्रॉस करने के बाद हम आ जाएंगे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे। यहाँ पे देखिए दिल्ली है 541 किलोमीटर, 541 किलोमीटर से दिल्ली यहाँ से, और देखिए हम लोग आ गए हैं एक्सप्रेसवे पर। इसीलिए हमने लखनऊ का रूट चुना था इस बार कि हमें रोड पे कोई तकलीफ ना हो और आराम से हम दिल्ली पहुँच सके। ये एक्सप्रेसवे जाके आगरा दिल्ली वाला एक्सप्रेसवे पे मर्ज हो गई है और वो पॉइंट मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। और यहाँ हम पहुँच गए एक फूड प्लाजा पे जहाँ पे थोड़ा सा हम लंच कर लेंगे। ये नया खुला है, इसमें सारे जो जितना भी शॉप्स है अभी बिल्कुल ओपन नहीं हुआ है, तो जो भी मिले हमने वहाँ पे लंच करके निकल गए। और अच्छा भी हुआ हमने यहीं पे खाना खा लिया, क्योंकि आगे चल के ना रास्ते में कहीं पे भी ऐसे साइड में रेस्टोरेंट बिल्कुल था ही नहीं। आगे आप यहाँ पे देख सकते हो एक डिवाइडर है जहाँ से हमें यहाँ देखिए राइट ले लिया है। ये रोड आप देख रहे हैं कितना वाइड है और कितना खाली खाली सा है, ऐसा में ना ट्रिप को हम और अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं।
अब देखिए आ गया वो टर्न जहाँ पे दोनों एक्सप्रेसवे मर्ज हुआ है। अभी हम लखनऊ वाला एक्सप्रेसवे से निकल के आगरा वाला रिंग रोड पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग आगरा टू दिल्ली एक्सप्रेसवे पर आ गए हैं और देखिए थोड़ी देर बाद एक टोल गेट भी आ गया है। दोस्तों मेरा सेकेंड डे ट्रैवल या डे टू अलाहाबाद वीडियो में मैंने एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है टोल गेट के बारे में, जो मैं यहाँ पे थोड़ी सी बताना चाहूँगी उसके बारे में कि जब भी आप टोल गेट क्रॉस करें तो इमीडिएटली आपका जो फास्टैग में ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर जो भी लिंक है उस पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि कितना पैसा आपका अभी कटा है। अगर आपको कुछ गड़बड़ लगे तो आप वहीं पे कंप्लेन कर सकते हैं। हमारे साथ ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हुआ था जिसके बारे में मैंने डिटेल पूरी बताई है सेकेंड डे की वीडियो में, तो वहाँ पर जाके आप पूरी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। तो अभी टाइम हुआ है शाम के 6:23 और हम एक्सप्रेसवे क्रॉस कर रहे हैं और ये बोर्ड आ गया है दिल्ली और नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए। तो दोस्तों मैंने 3 दिन की ट्रैवल की तीनों अलग अलग वीडियो बनाई है और सब में मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है कि कितना किलोमीटर हम डेली ट्रैवल कर रहे थे और कितनी देर कंफर्टेबली गाड़ी चलाने से कहाँ तक हम पहुँचते थे और कहाँ कहाँ हम नाइट स्टे आराम से कर पाते थे। और पूरी ट्रैवल में सबसे अच्छी बात यही थी कि रोड बिल्कुल बढ़िया था, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी रोड की वजह से। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मेरी डेली टू ओडिशा वाले वीडियो में काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था कि उस वीडियो से उनको हेल्प मिल पाई, उस रूट से वो जाना चाहते थे। तो इस तरह का कमेंट्स से मुझे बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलती है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को बहुत सारा लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा ताकि मैं आगे भी इस तरह का वीडियो लेके आऊँ जब भी मुझे मौका मिले तो आपकी उससे हेल्प हो पाए। तो ये देखिए साइड में आपको मैं दिखा रही हूँ, जो मैंने आपको दिखाया था लखनऊ में सेम उसी तरह का बाउंड्री वॉल है और ये है नोएडा में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। नोएडा में थोड़ा सा ट्रैफिक था तो घर पहुँचते पहुँचते हमें 8 बज गया था। तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी दोस्तों कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।